ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कई बारी लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस का एक मंत्र क्या है, जीवन में अगर कुछ भी अचीव करना है उसको अचीव करने का एक मंत्र क्या है। दोस्तों मैंने एक बहुत सुंदर कहानी अपनी जीवन की जो मुझे स्मृति में आती है, आज आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, मेरा वेट 96 kg था। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरी पिक्चर को देखिए, ये डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने है दोस्तों। मेरे को डायबिटीज उस समय, बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन, थायराइड और फैटी लिवर, ये सब बीमारियां किसी ना किसी रूप में थी दोस्त। जब मैं वापस इंडिया आया तो मेरे अंकल ने घर में बोला कि भाई अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों ये बात मुझे बहुत छुई। उसी दिन से मैंने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाया, एक्सरसाइज का एक पैटर्न डिसाइड किया अपने लिए, एक डाइट को मैंने क्वांटिटी से क्वालिटी डाइट में चेंज किया और 6 महीने तक मैंने रोज इस चीज को फॉलो किया, पावरफुल तरीके से फॉलो किया। दोस्तों 2002 9 फरवरी जब मैं अपना कार्डियोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा था, उस समय तक मेरा वेट 23 kg कम हो गया, मुझे एक नई पर्सनालिटी मिली। देखिए पिक्चर्स को दोस्तों। लेकिन ये ब्यूटी ये नहीं थी कि मैंने इस चीज को अचीव किया, मेरी थायराइड हाइपरटेंशन डायबिटीज सब कुछ बॉर्डरलाइन जो था वो गायब हो गया। लेकिन आज 21 साल बाद भी मैं अपनी इसी जीवन शैली को इररिस्पेक्टिव ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस मैं जरूर मेंटेन करता। तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो दोस्तों तो उसके लिए 2 चीजों को हम यूज कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कैपेसिटी और कई लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें जरा भी जोश चढ़ता है तो हम क्या करते हैं कि हम जिमनेजियम में जाएंगे और वहां जाकर जिम में हम किसी ट्रेनर को ना देखे लेकिन पहले ही दिन हम सोचते हैं अगर ये 10 किलो उठा सकता है तो मैं भी 10 किलो उठाऊंगा और उस वजन को उठाकर मैं अपनी परफॉर्मेंस को आगे दिखाना चाहता हूं, मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मेरी ये कैपेसिटी है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है दोस्तों, वो अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करता है। पहले दिन वो जाएगा, वो जानता है कि वो कर इतना सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, रेगुलरली उसको करने के लिए उसे धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा। और उस चीज के लिए आवश्यकता होती है कंसिस्टेंसी की दोस्तों, यानी रोज उस कार्य को रिपीटेटिव वे से करना। तो दोस्तों सफलता के लिए, कुछ भी जीवन में प्राप्त करने के लिए, हमें यह समझना होगा कि सक्सेस एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हमें अपने आप को डालना होता है और जब हम प्रोसेस में डालते हैं, ग्रेजुअली वो हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करता है, हमारी बॉडी को प्रोग्राम करता है और जो भी हम चाहें उसको हम अचीव कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपेसिटी। आप उठा 100 किलो सकते हैं लेकिन पहले दिन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन यदि आप ग्रेजुअली अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं कंसिस्टेंट रहते हुए, तो आप किसी भी टारगेट को, किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो। इसलिए दोस्तों कंसिस्टेंसी का मंत्र स्वयं भी धारण करें, अपनाएं और अपने बच्चों, अपने फैमिलीज सबको ये मंत्र जरूर दें। दोस्तों कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए आज मैं आपको केवल 3 पॉइंट फॉर्मूला देता हूं। कई लोग कहते हैं हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। कंसिस्टेंसी के लिए एक पावरफुल व्यक्ति, एक लीडर, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा सफल इंडस्ट्रियलिस्ट, वो जो भी आप उसको कहें दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है मन के अंदर क्लैरिटी की। जिस व्यक्ति को गोल्स की, पर्पस की, अपने एम और ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी है, वही कंसिस्टेंट हो सकता है। अगर हमको क्लियर ही नहीं होगा तो रोज हम अपने टारगेट्स को चेंज करेंगे और कंसिस्टेंसी को हम अचीव ही दोस्तों नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को क्लियरली सेट करिए। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर थिंकिंग, प्रिस्टीन थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग वाला दोस्तों होना चाहिए। यह पहला मंत्र है कंसिस्टेंसी के लिए दोस्तों। दूसरा मंत्र जो है वो है करेज। जब आप अपने टारगेट्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आएंगे। लाइफ विल ऑलवेज नॉट बी स्मूथ। कभी ना कभी आपको लगेगा कि आप गिर रहे हैं, या कभी ना कभी आपको लगेगा कि जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसको आप कभी कभी फेलियर भी कह देते हैं। दोस्तों एक पावरफुल व्यक्ति, कंसिस्टेंट व्यक्ति इन फेलियर्स को फेलियर्स नहीं मानता, इन फेलियर्स को लर्निंग्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैंने हमेशा अपने जीवन में फेलियर को फेलियर वर्ड दिया ही नहीं दोस्तों, फेलियर्स को हमेशा लर्निंग्स मानकर चलिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर इन आवर लाइफ, आइदर यू सक्सीड और यू लर्न इन योर लाइफ। तो दोस्तों हिम्मत रखना,
वो कंसिस्टेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर जगह हर समय पर हम कोई ना कोई एक तरीका सीखते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है या इस कार्य को कैसे हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा सी, अगर हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, वो है हमारा कमिटमेंट। दोस्तों कमिटमेंट टू अवर ओन सेल्फ, ये दोस्तों किसी को दिखाने वाली बात नहीं है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना होता है। हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं। मैंने भी अपने लिए टारगेट सेट किया तो मैं ऐसा नहीं कि अपना कोई पॉइंट किसी के लिए प्रूव करना चाहता था, लेकिन जब उस टारगेट को अचीव किया, हु वॉज फीलिंग गुड, आई वॉज फीलिंग गुड। कमिटमेंट अपने आप से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज मुझे ये करना ही है, वो ड्राइव, वो कंसिस्टेंसी वाली ड्राइव जो है वो कमिटमेंट के द्वारा आती है। उठना है, निकलना है और करना है। और अगर हमें ये जोश आता है, ये जुनून आता है दोस्तों, ये करने का कमिटमेंट आता है, तो कोई भी चीज को हम अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों जो व्यक्ति कंसिस्टेंट होता है उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती चली जाती है। आप देखिए ना, इफ यू डू समथिंग रेगुलरली यू गेट गुड एट इट। जो चीज आप रोज और रेगुलरली करेंगे वो आपके ब्रेन और बॉडी के अंदर प्रोग्रामिंग की तरह भर जाएगी और आपका ब्रेन उसको एक हैबिट की तरह आपके सामने लेकर रख देगा। इसके पीछे एक बहुत पावरफुल साइंस है कि हम कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोनल कनेक्शंस बनाते हैं, जिसको हम हैबिट माइंड कहते हैं, और फिर हमें उसको एफर्टलेसली करने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों कैपेसिटी पर कभी भी फोकस मत करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में कंसिस्टेंसी पर। बच्चों को, स्वयं को मोटिवेट करिए कि मुझे रेगुलरली इस चीज को प्राप्त करना है। किसी भी यात्रा पर आप जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज द मंत्रा फॉर सक्सेस एंड अचीविंग एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति। अगर आपको कुछ और भी बातें, कुछ और ऐसे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग कुछ प्रश्न जो बहुत सारे लोग हमें लिखते हैं, अगर आपके मन में है तो bkdrmohitgupta@gmail.com पर हमको लिखकर भेजिए। आपके इन्हीं प्रश्नों को छोटे छोटे एपिसोड्स में सिंपल सॉल्यूशंस के साथ लेकर हम आपके सामने दोस्तों उपस्थित होंगे। ओम शांति।